अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो हमारे शोपीफाई है उसके अंदर एसेट्स जो हैं वो हमारे कैसे वर्क करते हैं तो ये हमारे एसेट्स का फोल्डर है एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम देखेंगे कि शोपीफाई जो है वो किस तरह हमारी सी एस एस फाइल्स जवा स्क्रिप्ट के फाइल्स इमेज़ को किस तरह मैनेज करता है हम शोपीफाई में एसेट्स मैनेजर मैनेजमेंट को देखेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो हमारी सी एस एस की फ़ाइल है सास की फाइल है सी ए डब्ल एस की और जवा स्क्रिप्ट की फाइल इमेज़ किस काम कर रही होती हैं तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास आप देखें सबसे पहले बेस टॉट सी एस एस फाइल है जिसके अंदर हमारी जो सारी बेसिक सी एस एस है वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है तो आप देखें जो हमारी सी एस एस है वो सारी इसके अंदर तो आप आपको मिलेगी तो ये डिफरेंट हमारे जिस सारी सी एस एस है और इस इम्पोर्टेंट का भी आपको होगा आपको बस बेसिक सी एस एस का नॉलेज होना चाहिए तो ये सारी हमारी सी एस एस लिखी हुई है उसके बाद हमारे पास आती है कार्ड नोटिफिकेशन डॉट जे एस तो ये हमारी बेसिकली एक जवा स्क्रिप्ट की फाइल है जवा स्क्रिप्ट की फाइल है तो ये देखें कितनी हमारी आसानी से इसके अंदर सारी हमारी जवा लिखी होगी और इसके अंदर हमारी कार्ट से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो ये हमारे सारे एसेट्स के अंदर पड़े हुए हैं और जो आपको है एसेट्स के अंदर हमारा जो असल कोड होता है वो पड़ा होता है और लिक्विड के थ्रू हम उस कोड को एक्सेस करते हैं सिंपल ये कार्ड नोटिफिकेशन का कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की फाइल है उसके बाद हमारे पास कार्ट की आ जाती है जवास्क्रिप्ट की फाइल इसके अंदर हमारी सारी कार्ट क्या जो हमारा सारा किसान हमारी कार्ड वर्क करेगी उसका लॉजिक है वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा फिर हमारे पास आए थे कॉलेज डॉट सी एस एस इसके अंदर हमारी सारी जो क्लाज की जो सी एस एस है वो सारा इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा तो ये हमारी फर्दर आगे डिफरेंट सी एस एस की फाइल्स पड़ी हुई हैं कि अगर आप देखें तो सी एस एस की फाइल है उसके बाद अगले भी सी एस एस की फ़ाइल सारी आ रही हैं तो ये सारी सी की फ़ाइल्स इसके अंदर यूज़ हो रही है अगर आप अपनी कोई सी की फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद जवा स्क्रिप्ट अब हमने बात की थी कि हमारे पास बेसिकली तीन से चार किस्म की फाइल्स होती हैं इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास सी होती है एस ए डबल एस होती है जिसको हम सास फाइल भी कहते हैं और उसके बाद जवा होती है और इमेजेज़ होती हैं तो अभी तक हमने इसके अंदर अपनी सी की फाइल्स देखी थी और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल देखी थी और इसके अंदर इसके साथ साथ हमारे पास तो अभी हमारी इस थीम के अंदर तो नई फाइल पड़ी हुई एस ए डबल एस की लेकिन जो हमारी अमूमा फ़ाइल्स होती हैं आप मल्टीपल थीम्स पे जब काम करेंगे तो हमारे पास एक फाइल होगी जैसे मेरी फ़ाइल होती है मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा अगर एसेट्स के अंदर तो एसेट्स में एसेट्स में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और वो फ़ाइल कुछ इस तरह की होती है लाइक मैं कहता हूँ कस्टम डॉट एस सी एस एस और उसके साथ डॉट लिक्विड तो सिंपल पहले इसको ऐसे क्रिएट कर लेते हैं तो देखिए जो हमारी ये फाइल्स आपको मल्टीपल थीम्स के अंदर आपको ये फाइल मिलेगी तो ये फ़ाइल हमारी होती है एक आप में सक्सेस समझ रहे होंगे ये एक सी फाइल है ये एक सेटिस्फाइड सी एस एस फाइल है ऐसा नहीं है ये हमारी एक तरह आप इसको कह तो सकते हैं कि ये सी एस एस फाइल है बेसिकली ये हमारी एक लिक्विड की फ़ाइल होती है इसके आगे अमूमन अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारी मूवमेंट आपको ऐसे मिलेगी डिफरेंट थीम्स के अंदर कस्टम डॉट सी एस एस लिक्विड तो ये आपको ऐसे मिलेगी क्योंकि जो हमारी एस सी एस एस की फ़ाइल होती है इसको हमारा यू जो, जो कम्पाइल होता है वो कंपाइल नहीं करता तो इसलिए इसको एक लिक्विड की फ़ाइल में हम क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम अपनी एस ए डबल एस फाइल को रखते हैं अब हमारी एस ए डब्ल एस फाइल कौन सी होती है एस ए डबल एस जो हमारी फ़ाइल होती है ये हमारी एक एक्सटेंडेड सी एस एस फाइल होती है बस जिस तरह आपकी सी एस एस फाइल होती है आप स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं आपकी एक स्टाइलिंग फ़ाइल है एस ए डब्ल एस के अंदर होता है कि आप स्टाइलिंग के साथ साथ आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं लूप्स को यूज़ कर सकते हैं मतलब कि आपके पास एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं आप डिफरेंट लूप्स यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस यूज़ कर सकते कर सकते हैं अपनी एस ए डब्ल एस एस फाइल के अंदर और ये आपका जो ब्राउज़र होता है ना वो इसको रीड नहीं करता तो ये हमारी एसेट्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स थी और इसको किस तरह हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इसको किस तरह डील कर रहा होता है ये हमने देख लिया तो अब जो हमारी एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी जो हमारी एस सी एस एस फाइल होती है ना इसके अंदर ना जो ये हमारी फ़ाइल है इसके अंदर आप इस फाइल के अंदर लिक्विड भी लिख सकते हैं सी एस एस भी लिख सकते हैं एस सी एस एस की भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं तो ये हमारे किससे आप इनको मैनेज कर रहा होता है तो हम सास फाइल को डिस्कस कर रहे थे इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इमेजेस अब जो हमारी इमेजेस होगी वो जिफ भी हो सकती हैं वो सिंपल इमेज भी हो सकती है आप उसको सिंपल अपलोड कर सकते हैं लाइक like मैं अपने यहाँ पे कोई अगर इमेज अपलोड करना चाहूँ तो मैं उसको भी अपलोड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सिंपल कोई भी यहाँ से ऐड फाइल में जाके इमेज ऐड कर सकता हूँ तो इसके अंदर हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं और फाइल का देख लिया हमने जावास्क्रिप्ट को भी देख लिया हमने सी एस एस को भी देख लिया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज